हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आखिरी समय चल रहा है, आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं आप लोग डीयू के एडमिशन के। जी हाँ, फाइनल आपका समझ लीजिए, सेकंड राउंड जो आपका स्पॉट राउंड का जो दूसरा राउंड है वो शेड्यूल आपके जारी कर दिए गए हैं और 7 तारीख को आपका आ जाएगी वैकेंट सीट्स की लिस्ट। उसके बाद फिर आपका एलोकेशन किया जाएगा 11 तारीख, ठीक है। 7 से 9 आपको अप्लाई करने का समय दिया जा रहा है, ठीक है। जब वैकेट सीट आ जाएगी उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 2 दिन 7 से 9 के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कीजिए, अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद आपको एलोकेट किया जाएगा 11 तारीख को सीट, ठीक है ना। फिर उसके बाद 11 से लेके आपको 13 तक का समय दिया जाएगा एक्सेप्ट करने का, ठीक है। उसमें आप एक्सेप्ट वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद वेरिफिकेशन हो गया आपका। वेरिफिकेशन के बाद फिर फेस पेमेंट की जो डेट रखी गई है 15 तारीख तक की रखी गई है। तो ये पूरे स्केड्यूल जारी किए गए हैं डीयू की तरफ से, जो आपको जानना जरूरी है। काफ़ी भारी संख्या में सीटें भी खाली हैं, लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, ठीक है। सीटें जो हैं आपकी लगभग 10,000-15,000 के ऊपर ही सीटें आई हैं। बिड ड्रॉ करने के बाद लगभग 14-15 हज़ार सीटों की संख्या है, तो काफ़ी पर्याप्त है। इवन आपको ऐसा भी नहीं है कि अब एकदम वही आपका स्पॉट राउंड है तो एकदम आखिरी में ही समय मिलेगा या आखिरी कॉलेज आपको मिलेगा, इवनिंग कॉलेज या आपका हो गया साउथ कैंपस के कॉलेज। इवन काफ़ी सारी सीटें बच्चों ने बिड ड्रॉ किया है नॉर्थ कैंपस से भी, ठीक है ना। भारी संख्या, हजारों की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में तो किए ही होंगे, अगर 10-10, 20-20 जोड़ लिया जाए, 4-5-7 कॉलेज जो है आपके, तो यहाँ पर भी चांसेस आपके बन सकते हैं। तो वही किस्मत में लिखा होगा, तो आखिरी उम्मीद में भी आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद बिल्कुल ना हारिए, सेकंड राउंड का सामना कीजिए। बाकी वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी देखिए, आपके साथ साथ ही चल रहा है डीयू के आखिरी समय में। अब उसने अपना बीए की भी कट ऑफ जारी कर दी गई है, काफ़ी कम कट ऑफ, 622 पहली कट ऑफ गई है। तो सोच लीजिए, अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 622 अगर आपके बन रहे हैं तो आसानी से आप जाइए मेन कैंपस में, अपनी पढ़ाई कीजिए। कॉलेजेस भी अपना साथ साथ स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अनदर आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या WWU यूनिवर्सिटी से जाने से बेहतर है आप अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, ताकि एक बेहतर आपको माहौल मिल सके। माहौल ही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। DU इंसान क्यों भागता है? क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा माहौल, अच्छा आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें होंगी, पढ़ाई के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे, वही जीवन में आपको आगे बढ़ाता है। अब डिग्री तो सबके पास है, ठीक है, इतने कॉलेजेज हैं, इतने महाविद्यालय हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, असली नकली फर्जी देखते हैं। कम से कम 400-500 यूनिवर्सिटी तो हर साल फर्जी निकाल के ले आता है UGC कि भैया यहाँ जाने से बचना। तो शिक्षा का सर्टिफिकेट देने वाले लोग बहुत हैं, इतने लोग तो ऐसे बोर्ड लगाए रहते हैं, देखो भैया आ जाओ हमारे यहाँ, हम आपको डिग्री दे देंगे घर बैठे ही। तो डिग्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं, वो तो सिर्फ एक पर्चा है। लेकिन आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरा संपूर्ण विकास जिसको कहते हैं, वो सब चीज़ें तो भाई माहौल मैटर करता ही है। तो दिल्ली गए, बनारस गए, इलाहाबाद गए, लखनऊ गए, तो यहाँ सब तो ऑब्वियस के साथ पढ़ाई के साथ आप बेहतर सीखेंगे। तो आपके पास प्लेटफॉर्म हैं कई सारे, तो आप चुन सकते हैं। कट ऑफ वगैरह जारी कर दी गई है हर जगह की, फाइनल स्टेज कहीं कहीं BHU का भी देखिए, आखिरी समय चल रहा है एडमिशन का, DU का भी इलाहाबाद अब शुरू कर दिया है। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जहाँ बेहतर समझें वहाँ जा सकते हैं। तो फाइनली अपडेट आपके लिए, स्पॉट राउंड 2, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करके फाइनल आखिरी समय में अपनी सीट बुक कर सकते हैं। बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट वगैरह मिलते रहे। गुड लक।